नमस्कार दोस्तों ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है मैं हूं ओमकार चौधरी सोमवार को महाराष्ट्र विधानसभा में जो कुछ हुआ वो कई मामलों में राजनीति के विद्यार्थियों के लिए एक ऐसा पाठ है जिसको पढ़कर के वो सियासत की सीख सकते हैं और खास तौर से मैं निवर्तमान मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और उनके सुपुत्र आदित्य ठाकरे के लिए तो जरूर कहूंगा कि वो पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और नेता प्रतिपक्ष अजित पवार ने जो भाषण दिए हैं उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं एक्चुअल में राजनीति कैसे की जाती है इसका श्रेष्ठ उदाहरण सोमवार को सदन में दिखाई दिया रविवार को आप जानते हैं कि इस स्पीकर का चुनाव हुआ था भारतीय जनता पार्टी के राहुल नार्वेकर जितने मतों की उम्मीद थी उससे कहीं ज्यादा 20 ज्यादा उनको मिले थे एक मत मिले थे और वो अध्यक्ष निर्वाचित हुए विधानसभा के उन्होंने जो कुछ किया उसको अगर एक तरफ रख दें तो अगले दिन यानी सोमवार को जब एकनाथ शिंदे सरकार को अपना बहुमत साबित करना था तब भी जितनी शांति से यह प्रक्रिया पूरी तरीके से संपन्न कराई गई वो तो एक श्रेष्ठ उदाहरण है ही कि बिना शोर शराबे के बिना हो हल्ले के बिना कार्रवाई में बाधा डाले किस तरीके से दूध का दूध और पानी का पानी किया जाता है लेकिन उसके बाद जब उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोले जब नेता प्रतिपक्ष अजीत पवार बोले और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने विचार रखे तो अपने अपने पक्ष तीनों नेताओं ने बखूबी सदन के सामने और महाराष्ट्र के सामने रखे और बड़े रोचक अंदाज में रखे कई पल ऐसे आए जब सदन के बाकी सदस्यों के भी आंखों में आंसू देखे गए जब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपनी बात कहते कहते अपने दो बेटों का उल्लेख कर बैठे कि किस तरीके से उनकी आंखों के सामने वो डूब गए थे इसके अलावा उन्होंने कुछ ऐसी बातें भी कहे कही जिनसे न केवल देवेंद्र फडनवीस और विपक्षी दीर्घाओं के लोग ठहाके मार करके हंस रहे थे बल्कि देवेंद्र फडनवीस भी अपने सिर पर अपने चेहरे पर दोनों हाथ रख करके ढांप करके खुल करके हंसे एक नाथ शिंदे ने जब अपनी बात शुरू की तो उन्होंने कहा कि उन्हें पद की लालसा नहीं है उन्होंने हिंदुत्व और बाला साहब ठाकरे के विचारों की रक्षा के लिए अपना ये मिशन शुरू किया और जब उन्होंने अपने दो बेटों को खोने का जिक्र किया तो वो रो पड़े देवेंद्र फडणवीस जो उनके बराबर में बैठे हुए थे उन्होंने एक पानी की बोतल लेकर के उनको बढ़ाई उन्होंने पानी पिया और उसके बाद उन्होंने कई बातें खुल करके की उन्होंने कहा कि शिवसेना की सेवा में रत रह करके उन्होंने कभी अपने परिवार पर भी ध्यान नहीं दिया दिन रात पार्टी के लिए काम किया अपने खून को पार्टी के लिए पानी करके बहाया लेकिन सुनने को क्या मिला मेरे इतने बाप हैं, उतने बाप हैं, कामाख्या देवी को हमारी बलि देने की बात कही गई लेकिन उन्होंने पलट करके पूछा कि मां कामाख्या देवी ने किसकी बलि ले ली और उनके इस व्यंग पर जाहिर है पूरा सदन ठहाके मारकर के हंस पड़ा और उन्होंने कहा कि उन्हें तो यकीन ही नहीं था कि वो सीएम बनेंगे लेकिन बीजेपी का जो नेतृत्व है उसने मुझ पर विश्वास जताते हुए चीफ मिनिस्टर बनाया हिंदुत्व की बिखरी हुई शक्तियों को एक करने के मकसद से बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद का त्याग कर दिया मैंने तो पद मांगा भी नहीं था लेकिन देवेंद्र फडनवीस ने दिलेरी दिखाई बीजेपी ने पद की जगह प्यार जीतने का मकसद पाला और इस तरह राज्य को बीजेपी और शिवसेना की सरकार मिल गई आगे उन्होंने जो कुछ कहा उस पर तो पूरा सदन ठहाके मार करके हंस रहा था और देवेंद्र फडणवीस को कहना पड़ा कि सब कुछ बता दोगे क्या यही बता दोगे क्या और हुआ ये कि उन्होंने एक रोचक प्रसंग छेड़ दिया उन्होंने कहा कि मेरे समर्थकों को ये पता ही नहीं था कि सरकार बन कैसे रही है मैं बाहर तब जाता था जब वे सो जाते थे वापस तब तक आ जाता था जब वे सोए हुए ही रहते थे इस तरह मैं देवेंद्र फडणवीस से रात में मिला करता था और इतना कहते ही इतना सुनते ही देवेंद्र फडनवीस ने दोनों हाथ अपने सिर पर रख लिए और हंसते हुए कहा कि सब कुछ यहां बोल देंगे क्या और इसके बाद पूरा सदन ठहाके मार करके हंस रहा था और मुख्यमंत्री ने कहा कि फडनवीस की जो दिलेरी है उसके लिए जितना आभार व्यक्त किया जाए वो कम है फडनवीस ने मेरे पास आकर के कहा था एक ही व्यक्ति शपथ ग्रहण करेगा और ऐसा कहते हुए भी उनके होठों पर हंसी थी हमें पद की लालसा नहीं है हम दोनों के विचार एक जैसे हैं हम बाला साहब के हिंदुत्व के विचार के लिए एक हुए उनके 115 और हमारे 50 मिलकर के एक हो गए हैं और अजीत दादा ने यानी अजीत पवार ने एक व्यंग किया था अपने भाषण में उन्होंने कहा था कि अतीत की घटनाएं भी देख लीजिए चाहे नारायण राणे ने शिवसेना छोड़ी हो या छगन भुजबल ने छोड़ी हो जब जब उनके साथ नेता शिवसेना छोड़ करके गए तो अगला जो चुनाव आया उसमें कोई नहीं जीत पाया तो इस पर उन्होंने एक नाथ शिंदे ने जवाब देते हुए कहा कि आप कह रहे थे ना कि जनता ने उन्हें माफ नहीं किया जिन्होंने शिवसेना छोड़ी तो उन्होंने कहा कि जनता ने उन्हें अगले चुनाव में हराया ये आप कह रहे हैं लेकिन हम तो शिवसेना छोड़ ही नहीं रहे हैं हम तो अब भी शिवसेनिक हैं कल भी शिवसेनिक रहेंगे जनता ने उन्हें माफ नहीं किया जिन्होंने हिंदुत्व विरोधी पार्टियां ज्वाइन की हमने हिंदुत्व के विचार की रक्षा के लिए नेचुरल अलायंस किया है इस वजह से हम अगले चुनाव में एक से बढ़कर के 200 तक पहुंचने वाले हैं दूसरे देवेंद्र फडणवीस को चिढ़ाते हुए जब वो भाषण देने के लिए खड़े हुए तो पीछे से किसी सदस्य ने ईडी की सरकार ईडी की सरकार कह करके तंज कसा कि ये तो ईडी की घबराहट की वजह से इतने लोग उनके साथ आ गए बीजेपी के पास आ गए तो देवेंद्र फडणवीस ने सबसे पहले तो यही कहा कि अभी पीछे से एक सदस्य कोई चिल्ला रहे थे तो उनको हम बता दें कि ये ईडी की ही सरकार है ईडी से मतलब है ई e, यानी एक नाथ शिंदे और डी से मतलब है देवेंद्र देवेंद्र फडनवीस उन्होंने कहा कि मैं अप्रत्यक्ष रूप से उनका भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने ये विश्वास मत पारित करने में बाहर रह के मदद की और उनका इशारा पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता अशोक चौहान की तरफ था उनका इशारा एनसीपी के जो पांच एमएलए गायब थे उनकी तरफ था और कांग्रेस के भी कुल मिलाकर के चार एमएलए नहीं थे उन सबका धन्यवाद किया उन्होंने तो सदन इस पर भी ठाके लगा रहा था तो उन्होंने ये एकनाथ शिंदे हैं उनके कामों में हमारी पूरी निष्ठा है उन पर बाला साहब ठाकरे और आनंद दिघे के विचारों का प्रभाव है जिनके कर्म महान होते हैं उनके लिए पद अहमियत नहीं रखता है पद उनका अपने आप पीछा करता है और शिंदे साहब ने शिवसेना के शाखा प्रमुख से लेकर के आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद तक का की यात्रा की है संघर्ष के बल पर निष्ठा के बल पर ईमानदारी और परिश्रम के बल पर उन्होंने ये भी कहा कि एकनाथ शिंदे इतना काम करते हैं कि सोते कब हैं पता नहीं चलता लोग 24 फोर बाई सेवन काम करते हैं वे बहत्तर घंटे बाद सोने के लिए जाते हैं तीन तीन दिन तक लगातार काम करते हुए मैंने उन्हें देखा है वे अपने राजनीतिक गुरु आनंद दिघे की तरह आम आदमी के लिए काम करने वाले लोग और शिंदे के पर कतरने की कई बार कोशिश की गई जब वो शिवसेना में रहते जब उद्धव ठाकरे के साथ थे लेकिन अपने बेहतरीन काम की वजह से वो कभी पर्दे के पीछे ओझल नहीं हो पाए आगे भी मैं एक नाथ शिंदे और जनता के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहने का वादा करता हूं फडनवीस ने कहा कि जब जब सत्ता निरंकुश होती है ये उनका इनडायरेक्ट वे में उद्धव ठाकरे पर अटैक था एम सरकार पर अटैक था नाम नहीं लिया लेकिन प्रतीकों में ही कहा कि जब जब सत्ता निरंकुश होती है तब तब चाणक्य को चंद्रगुप्त तलाश करना पड़ता है और जब उन्होंने ये बात कही तभी वो ईडी ईडी पीछे से कोई चिल्ला रहा था तब उन्होंने उसका जवाब दिया फडनवीस ने कहा कि एक नाथ शिंदे पब्लिक के आदमी है लोगों ने अगर उन्हें घेर लिया तो वो उनकी समस्याएं सुलझाए बिना वहां से निकलते नहीं हैं। और विरोध में बोलने वाली आवाजों को एम सरकार ने दबाने का काम किया इनका काम बोलता है और रोजाना ये कम से कम 500 लोगों से मुलाकात करते हैं फडनवीस ने ये भी कहा कि मैंने ये कहा था कि महाविकास आघाड़ी सरकार नेचुरल अलायंस की सरकार नहीं है ये ज़्यादा समय तक नहीं टिकेगी और मैंने एक कविता पढ़ी थी कि मैं लौट करके आऊँगा तब लोगों ने मेरी मजाक उड़ाई थी हंसी उड़ाई थी लेकिन मैं आ गया हूँ और शिंदे साहब को साथ लेकर के आया हूं हमें अपने नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरा विश्वास है वो अगर मुझे घर बैठने के लिए कहते तो मुझे वो भी स्वीकार होता है। और यहां से उन्होंने उद्धव ठाकरे सरकार को धोना शुरू किया अपने ही अंदाज में उन्होंने कहा कि हमारे लोगों पर भी महाविकास आघाड़ी सरकार ने तीस तीस केस किए हैं हनुमान चालीसा पढ़ने पर लोगों के घर तोड़ दिए गए गिरफ्तारियां कर ली गई राजनीतिक पोस्ट डालने पर पंद्रह पंद्रह दिन चालीस चालीस दिन लोगों को जेल में रखा गया और ये जो शत्रुता की भावना है ये ठीक नहीं है उन्होंने ये भी कहा कि मैं आज सदन को और महाराष्ट्र को ये यकीन दिलाता हूं कि हम पिछली सरकार के जो कामकाज काज हमारी कसौटी पर जनता की कसौटी पर ठीक होंगे उनको स्वीकृत करेंगे और आगे बढ़ाएंगे हम बदले की भावना से काम नहीं करेंगे और राज ठाकरे का भी उल्लेख करना नहीं भूले जिन्होंने एक बहुत सुंदर चिट्ठी उनको लिखी थी उन्होंने कहा कि मैं भी उनको चिट्ठी लिख सकता था लेकिन अब मैंने फैसला किया है कि मैं व्यक्तिगत रूप से जा के उनसे मिलूंगा एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के जो ये आज के यानी सोमवार के भाषण थे सदन में ये रिमार्केबल है डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में उन्होंने वो सारी बातें कह दी जो कई बार जो अपरिपक्व लीडरशिप होती है वो सीधे हमले करने लगती है अपनी बात भी कह दी वो कहते हैं ना कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे मैं किसी को सांप नहीं बता रहा हूं लेकिन उन्होंने काम यही किया है कि उन्होंने जो अब तक सरकार सत्ता में थी उद्धव ठाकरे की उसके जो गलत काम थे अहंकार पूर्ण फैसले थे उन पर प्रहार भी कर दिया और किसी को बुरा ना लगे ऐसा भी उन्होंने उपाय किया एक और महत्वपूर्ण फैसला आज हुआ वो ये कि शिवसेना के चूंकि सभी पचपन एमएलए को व्हीप जारी किया गया था शिंदे गुट की तरफ से अब तो वो अपने आप को शिवसेना घोषित कर चुके हैं स्पीकर भी उनको शिवसेना का नेता घोषित कर चुके हैं तो एक्चुअल शिवसेना वही है ऐसा वो मानते हैं तो उन्होंने सभी पचपन एम को विश्वास मत के पक्ष में वोट करने का व्हीप जारी किया था जो पंद्रह एम अभी उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के साथ हैं उन्होंने विश्वास मत के विरुद्ध मत दिया लेकिन चौदह एम को ही आज उन्होंने कारण बताओ नोटिस जारी किया कि क्यों ना आपके खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई चालू की जाए पंद्रवे यानी आदित्य ठाकरे को नोटिस इशू नहीं किया गया और क्यों नहीं किया गया ये भी उन लोगों ने बता दिया उन्होंने कहा कि चूंकि हम बाला साहब ठाकरे का उद्धव ठाकरे का ठाकरे परिवार का सम्मान करते हैं इसलिए हम उनकी अयोग्यता का नोटिस जारी नहीं कर रहे हैं ये अगेन एक सीख है और शिंदे ने अपने भाषण में ये बात का उल्लेख किया कि एक तरफ तो मेरे पास मैसेंजर भेजे जा रहे थे मनाने के लिए और दूसरी तरफ मुझे विधायक दल के पद से हटाने की घोषणाएं की जा रही थी इससे दोनों की कार्यशैली में पता चलता है तीसरा भाषण हुआ अजीत पवार का और उन्होंने कहा कि साहब इतिहास गवाह है जिन्होंने शिवसेना छोड़ी है वो अगला चुनाव हारे हैं जिनका जवाब एक नाथ शिंदे ने अच्छे तरीके से दे दिया उन्होंने कहा कि हम तो असली शिवसेना है हमने शिवसेना कहाँ छोड़ी है और हमारे पास इस समय बीजेपी के निर्दलीय और हमारे मिलाकर के एक हैं हम तो 200 जीत करके आने वाले हैं और उन्होंने देवेंद्र फडनवीस पर भी व्यंग किए कि ढाई साल के अंदर ये एक बार मुख्यमंत्री भी बन गए फिर नेता प्रतिपक्ष भी बन गए और अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बन गए उन्होंने ये भी कहा कि देवेंद्र फडनवीस आज ऐसा लग रहा है कि के जैसे केवल शिंदे की तारीफ में कसीदे पढ़ने के लिए आए हैं उनके भाषण में जो ओजस्विता होती थी वो गायब है लेकिन जब वो देवेंद्र फडनवीस पर इस तरह के आरोप लगाते हैं या उन पर तंज कसते हैं तो भूल जाते हैं कि जब 2019 में देवेंद्र फडनवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तो उनके साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में खुद अजीत पवार ने भी तो शपथ ली थी तो दूसरे पर व्यंग करना बड़ा आसान है लेकिन खुद को देखना आईने में ये थोड़ा सा कभी कभी है. कठिन होता है अभी के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें कमेंट करें वीडियो को शेयर भी करें अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार